मैं अभी हूँ गोवा के अरम्बोल बीच पे। तो अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था रेस्टोरेंट में और सब्सक्राइबर ने मुझे पहचान लिया, तो हम लोगों ने सोचा कि एक पास का ही ट्रिप प्लान कर लेते हैं जो सेक्रेट बीच है और स्वीट वाटर लेक है। ऐसे तो मैंने पहले बहुत बार ट्रिप किया है अनजान लोगों के साथ में, लेकिन पहली बार सब्सक्राइबर के साथ में ट्रिप करने का मौका मिल रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, दिखाई दे रहे हैं और आप बोर बीच पे बहुत से लोग आपको योगा भी करते हुए दिखाई दे जाएंगे। जो हिल टॉप गेस्ट हाउस है उसी के पास से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आप रेस्टोरेंट में बैठ करके और व्यू भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है। तो आप यहाँ पे सी का व्यू एंजॉय कर सकते हो, यू कैन वर्क फ्रॉम दिस प्लेस, वैसे प्लान कर रहे हो। और काफ़ी सारे शॉप्स भी हैं रास्ते में ही, और यहाँ से आपको टर्न करना है राइट साइड में। सामने का जो व्यू है वो ब्लैक रॉक का काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। और यहाँ पे एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, पानी जरूर लेकर रखे आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि कभी एक डेढ़ किलोमीटर तक चलना पड़ता है। देखिए काफ़ी सारे दुकानें यहाँ पे हैं, कपड़े भी काफ़ी सारे यहाँ पे हैं जेंट्स और लेडीज़ दोनों के, लेकिन यहाँ पे बार्गेनिंग भी होती है। क्या रेट है इनका, चिलम का 800-900? यहाँ पे फिर आगे बनियन ट्री है, फिर वहाँ पे भी जाना है। रास्ते में काफ़ी अच्छे कुछ कैफेज भी हैं, वहाँ से भी आप अच्छा फूड इंजॉय कर सकते हैं। और इसके बारे में नेटवर्क मिलना मुश्किल है, कोई भी अब फ़ोन काम नहीं करता है। तो हम लोग आ चुके हैं सेक्रेट बीच पे, और देखिए पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आज थोड़ी हवा चल रही है। और रेट शायद इसका 2500 है विद गोप्रो। देखिए आ गए हैं स्वीट वाटर लेक पे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने स्वीट वाटर लेक देख लिया और हम लोग जा रहे हैं बनियान ट्री। देखिए खतरनाक जंगलों से होते हुए, झाड़ियों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं बनियान ट्री, जो कि थोड़ी सी रहस्यमयी जगह भी है। वहाँ एक साधु अभी रहते थे, अब क्या पता वो है अभी नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। तो चलिए देखते हैं, रास्ता थोड़ा पत्थरों वाला रास्ता है, यहाँ पर स्टीप काफ़ी हो जा रहा है। स्ट्रिक्टली नो एंट्री, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है शायद। कभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। हाँ वो स्वीट वाटर लेक तो इजी है। हाँ वो तो इजी है, मेरे को ट्रैकिंग और माउंटेन बिल्कुल पसंद है। एकदम सुनसान जगह है, थोड़ी भी आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही है। अकेले अकेले नहीं आओ तो ज़्यादा बेटर है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वे टू बनियान ट्री, मड बात भी है यहाँ पे, इसी लोग आते हैं मड बात लेने के लिए, क्योंकि सुनते के लिए बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए। देखिए कुछ लोग वहाँ पे मठ बात ले रहे हैं, कुछ फॉरनर्स। देखिए यहाँ पे ये कुछ लोग मिट्टी लगा के बैठे हुए हैं। देखिए कितनी शांत जगह है, कितनी सुंदर भी है। दिस वे बनियान ट्री। देखिए यहाँ कुछ फैमिली रह रही है रशियंस की। टेन मिनट फ्रॉम हियर। अभी हम लोग कई 10 मिनट लगेंगे ऊपर जाने में, यहाँ बनियान ट्री है और लगता है कि यही बनियान ट्री है, लेकिन शायद वो टूट चुका है आंधी पानी में। और यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह लगे हुए, लगता है यहाँ पे रात में कोई रहता है, मैंने कुछ साधुओं की स्टोरी है पढ़ी थी, अभी तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पे कुछ रशियंस लोग रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक सीक्रेट पार्टी भी होती है, लेकिन उसमें सब किसी को अलाउड नहीं होता है, अगर कोई जान पहचान हो या कोई लिंक हो
तो अभी आप उसमें जा सकते हैं पार्टी में। अभी जो बनियान ट्री है वो तो गिर चुका है करीब 3 साल पहले, तो वहाँ पे अभी कोई मिलेगा नहीं, तो अभी जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से अभी 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा, ऊपर चढ़ के हम लोग को जाना पड़ेगा। तो हम लोग ट्रैक करके आ गए, तो वहाँ पे मालूम हुआ कि बनियान ट्री गिर चुका है। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस ट्रैक का? सही था, गिर गया, जिस चीज के लिए आए थे वो नहीं मिली। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर।